गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम मैथ्स में नंबर्स पढ़ेंगे फ्रॉम 51 टू 100। इसमें सबसे पहले बच्चों आप जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स काउंट करूंगी वैसे ही आप मेरे साथ नंबर्स यहाँ पे काउंट करेंगे और इसको समझेंगे। जैसा कि हम लोग ने UKG में पढ़ा था ना 1 to 100 काउंटिंग, सेम वैसे ही इसको हम आज रिवाइज करेंगे। कल हमने पढ़ा था 1 to 50, आज हम यहाँ से रिवाइज करेंगे 51 to 100। ओके, अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60। देन यहाँ स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। नेक्स्ट थर्ड लाइन में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 80। नेक्स्ट फोर्थ लाइन में देखेंगे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। फिफ्थ लाइन में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100। सेम ऐसे ही आप लाइन में लिखेंगे अपने मैथ्स कॉपी में। फर्स्ट लाइन में 51 to 60 लिखेंगे, उसके बाद वन लाइन लीव करेंगे आप यहाँ पे। देन थर्ड लाइन में आप 61 to 70 लिखेंगे एंड फोर्थ लाइन फिर लीव करेंगे, एक वन लाइन लीव करके आप इसको लिखेंगे नंबर्स को। फिर 71 to 80, फिर वन लाइन लीव, फिर 81 to 90, फिर वन लाइन लीव और फिर 91 to 100। इस तरह से यहाँ पे काउंटिंग आप लिखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में, अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे 2-3 times 51 to 100। उसके बाद 1 से लेकर 100 तक आप काउंटिंग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से लर्न करेंगे इसको। ठीक है बेटा, इसको कंप्लीट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे जो मैंने बोला है कि यहाँ पे आप वन वन लाइन लीव करेंगे, जो भी नंबर स्टार्ट करेंगे जो नंबर लाइन 51 to 60 लिखेंगे उसके बाद वन लाइन पूरी आपकी लीव होनी चाहिए, उसके बाद आप ये लाइन फिर शुरू करेंगे। फिर यहाँ पे पूरी वन लाइन लीव करेंगे, गैप देंगे, फिर 71 to 80 लिखेंगे, फिर वन लाइन लीव, गैप देंगे पूरा, फिर 81 to 90 लिखेंगे, फिर वन लाइन गैप, फिर ये 91 to 100 लिखेंगे। इस तरह से काउंटिंग जो होगी वो कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में और बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉपी में आपको लिखना है और लर्न करना है 1 to 100। और रफ कॉपी में इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए नंबर्स की 1 to 100 की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।